गाइस वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं बिजी थी आप लोग के डेटा नोट करने में, और हमारे पास ब्रेक में जाने से पहले कॉल आई थी, वो बच्चे के बारे में पूछ रहे थे। सर आप बता रहे थे उनके बच्चे को क्या लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्या क्या डेट इन्होंने बताई थी? 29 नवंबर 2000 सुबह 9 बजे। जी भाई, जायचे के मुताबिक इनका जो एसेंडेंट है वो सेजिटेरियस है, कौस जिसका सितारा मुश्तरी है, और मून साइन भी इनका सेजिटेरियस है, इसका भी सितारा मुश्तरी। बात यह है कि ये बच्चे, इनकी जो एज मैं देख रहा हूँ, इनकी एज कम से कम भी ये 16-17 साल की उम्र के बाद संभलना शुरू होंगे। अभी भी इनको कम से कम एक सितारा सूरज है जो कि जायचे में 12वें घर में। जब 12वें घर में होता है तो फल नहीं देता, अपना अच्छे रिजल्ट नहीं देता, बल्कि रूहानी अमराज या इस किस्म की सूरत हाल जो है वो बननी शुरू हो जाती है, दिमागी तौर पे थोड़ा वीक रहता है। तो ये अभी इसका भी पीरियड जो है, मेरा ख्याल है कि अभी कम से कम 6 साल का है। इस 6 साल के दौरान आप इसका इलाज कीजिए, तो जब ये सूरज का इनका दौर ख़त्म होगा, मून लगेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये सेहतमंद हो जाएंगे और ये बड़ी ज़िंदगी वाले हैं। इनकी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, पढ़ेंगे भी, सब कुछ है इनका। लेकिन 16-17 साल ये बड़े वाइटल इयर्स होते हैं आपकी जिंदगी के। लेकिन अभी इनको प्रॉब्लम ऐसी है ना, चूँकि इनको पीरियड ऐसे कंट्रोल करें जो इनकी हेल्प नहीं कर रहे। अच्छा। तो इसलिए इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप इनके लिए कोशिश करते रहें। सर कोई रेमेडी? मुझे तो नहीं पता, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन नहीं, एस्ट्रोलॉजी के लिए कोई रेमेडी? जी, रेमेडी इनकी है कि इनको रूबी पहनाइए, याकूत जो है वो कोई तकरीबन 4 किरात में इनके गले में डाल दें, लॉकेट बना के, और सुर्ख चीज़ों का इनका सदका करें, जो कि आपने इनका करना है इतवार और मंगल के दिन इनका सदका करें, और या ही या कयूम ये पढ़ के आप इनको जो है वो पानी भी पिला सकते हैं इनके लिए। इंशाल्लाह ये आगे खड़े होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक है सर। सर हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? उमेर बात कर रहा हूँ, कराची। उमेर कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा जी उमेर, आप हमारे बोल का जवाब दीजिए, क्या पाकिस्तानी सिनेमा में इंडियन मूवी लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। आप देखते हैं? नहीं। जाते भी नहीं है? नहीं। वाह वेरी नाइस, आई लाइक दैट। उमेर आप करते क्या? मैं जॉब करता हूं। जॉब करते हैं, टाइम नहीं मिलता होगा? दिल नहीं जाता। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा ठीक है, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? सर का जायचा पूछना चाह रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ 24 जून। 24 जून 1984। कहां पैदा हुई? कराची। कराची में। टाइम क्या था? 2:30 बजे रात को। क्या पूछेंगे? शादी के बारे में, मैरिज के बारे में, हेल्थ के बारे में भी। क्यों हेल्थ को क्या हो? नहीं, बीमार बीमारी वगैरह रहती है। अच्छा, इतनी छोटी सी बच्ची बीमार रहती है? छोटी सी कहाँ है, 84 छोटी कहाँ है, मतलब फिर भी काफी मतलब। अच्छा ठीक है जी, हम बता रहे हैं। अच्छा, बीमारी बीमारी के बारे में, हेल्थ के बारे में, शादी के बारे में, फ्यूचर के बारे में, राइट? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अल्लाह हाफिज। हाँ जी सर। जी भाई, जायचे के मुताबिक इनका जो लगन है वो हमल है, एरीस, जिसका सितारा मरीख है, और मून साइन भी इनका एरीस है, इसका भी सितारा मरीख है। पहली बात तो ये कि ये बच्चे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत नेक और बाकिरदार भी होते हैं, क्योंकि जुपिटर भी इनके जायचे में बहुत ताकतवर है। तीसरी बात यह कि मैरिज के हवाले से जो इनकी पोजीशन है, मेरा ख्याल है कि इनकी शादी का पीरियड इसी साल शुरू हो रहा है, कोई तकरीबन जून जुलाई अगस्त के लगभग जो है वो इनकी शादी हो जाएगी, और ये शादी इनकी जो है ये भी करीबी जानने वाले। लेकिन इनकी शादी में एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, इस क्योंकि सैटर्न इनके जायचे में 7वें घर में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनकी शादी किसी ऐसे आदमी से जो पहले से, मतलब जिसका निकाह हुआ हुआ हो, टूट गया। अच्छा। हो या शादी हुई भी हो, या वो मतलब वो क्या कहते हैं, वो बीवी मर जाती है जिनकी उनको। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब वो भी हो सकता है इनके लिए रीबैचलर। हाँ, रीबैचलर। तो मतलब ऐसे आदमी से भी इनकी शादी हो सकती है, तो इस बात का भी ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि आप जो भी इस किस्म का भी आए तो आप उसको रिजेक्ट करते रहें, तो फिर ये बैठी बैठी बेचारी, तो इस बात के भी इम्कानात हैं, और वो बहुत अच्छा इनका मतलब ख्याल रखने वाले लोग होंगे। अच्छा चले जी, ठीक है जी, डोंट वरी, और बीमारी उमारी तो सब चली जाएगी। नहीं, सेहत कोई ऐसी ख़राब नहीं है, जनरल तौर पे कोई ऐसा थोड़ा ऐसी बोलती रहती है वो आपको। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, खतरनाक नहीं। ठीक है सर। अच्छा लो जी, मैं फिर अच्छा कैसे पूछूँ, एक कॉल है मेरे पास जी, कॉल अटेंड करते हैं फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, इजाज़ बोल रहा हूँ जी, क्या हाल है? इजाज़ साहब, गुड एवरी मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद तशरीफ लाए आप हमारे शो में फोन के जरिए। हाँ बिल्कुल, वो कॉल आपसे जरा मुश्किल से मिलती है, जब मिल जाती है तो बात हो जाती है। ठीक है जी, आप हमारे पोल के जवाब दीजिए, पाकिस्तानी सिनेमा में इंडियन मूवी। दरअसल हर चीज टाइम एंड फ्रेम के हिसाब से देखी जाती है, क्योंकि आज तो फैसिलिटीज इतनी है, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि हर कोई जो है वो टीवी पे और वीडियो पे वीसीआर और डीवीडी वगैरह पे ये चीजें अवेलेबल हैं, तो इसलिए सिनेमा का जो स्कोप है ना वो मेरे ख्याल में अभी फ्यूचर में भी आई डोंट थिंक नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, इंडियन मूवीज की परमिशन नहीं होनी चाहिए। सही, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अच्छा जी, अब पूछा क्या चाह रहे हैं जा साहब आज? बस वो आपके पोल का सवाल देना था, जवाब देना था उसका, और बाकी डॉक्टर साहब से इजाजत दे जरा जी से सलाम कर लें। सलाम कर लीजिए जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, क्या रहे हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बस आपके खैर, मैं प्रोग्राम वगैरह देखते रहता हूँ, वो जो आप कमेंट देते हैं वो मैं नोट करते रहता हूँ, इससे काफी जो है वो अवेयरनेस बढ़ जाती है एज फार एज एस्ट्रोलॉजी कंसर्न। ठीक है जी, सीखते हैं जा साहब, आपको पता है जा साहब को शौक है। ठीक है जी, मुलाकात हुई थी, माशाल्लाह बड़े शफीक हैं, बड़े अच्छी तरह ये डिटेल में बताते हैं। जा साहब आप करते क्या? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ जी। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चलिए फिर तो आप बड़े अमीर होंगे। चलिए जी, हम फिर दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अभी जल्दी से आपसे पूछ लूँ, माहम का क्वेश्चन है, 12th अक्टूबर 1978। माहम प्लीज अब आप देख लीजिए, माहम उसे बार 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 इंटरनेट पे पूछ रही हैं हमारे फेसबुक के पेज पे, तो मैंने कहा 12 अक्टूबर 1978 कराची 9:30 PM। उन्होंने अभी अपना एक बिजनेस शुरू किया है, वो पूछ रहे हैं कि क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा, और वो आगे जो है वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रही हैं, तो क्या वो बन सकती हैं? अच्छा। अभी उन्होंने अपना एक पर्सन छोटा सा बिजनेस शुरू किया। अच्छा। बट शी इज नॉट श्योर अबाउट इट, शायद कोई ज्यादा चल नहीं रहा होगा या कुछ इस तरह की चीज है कि शी इज नॉट श्योर। नहीं, कोई ऐसा इम्कान नहीं है अभी भी आपके बिजनेस के चलने का, और कोई क्योंकि आपको सैटर्न लगा हुआ है और रेट्रोग्रेड है, बुर्ज असद में है, तो ये अच्छा नहीं होता, कोई इतनी हेल्प नहीं करता, इससे बेहतर है कि कोई आप जॉब कर ले, मुलाजमत कर ले। और क्या वो मेकअप आर्टिस्ट बन सकेंगी? जी बन सकती हैं, क्योंकि टॉरस है इनका और जोरा भी इनका बहुत ताकतवर है, बुर्ज मीजान में है, तो ये लोग बड़ी ऐसी चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी भी रखते हैं और इनमें बड़े माहिर भी होते हैं, तो आप ये करें इंशाल्लाह ताला, इसमें आपको बहुत कामयाबी है, लेकिन बिजनेस का भी वक्त नहीं है आपके लिए। चलें जी, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा जी, अब हम कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। नसरीन। मैं नसरीन बात कर रही हूं। हां जी, हमारी रेगुलर कॉलर। हां जी बिल्कुल। हां जी नसरीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है ना? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। हां जी, आप पोल का जवाब देंगी तो मैं बताऊंगी। अच्छा, मैंने अभी अभी टीवी ऑन किया है। हमारे पोल का सवाल है कि क्या पाकिस्तानी सिनेमाज में इंडियन मूवी चलनी चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। आप देखती हैं? नहीं मैं नहीं देखती, बिल्कुल नहीं देखती। ओह वेरी नाइस, आप पूछना क्या चाहेंगी आज? अच्छा, आज बहुत मुश्किल से कॉल मिली है, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1981। कहाँ पैदा है ये? सरगोधा में पैदा हुआ है। सरगोधा में। टाइम क्या था? टाइम इनका 12 से 1 के दरमियान, दोपहर के। जी जी, एम पी एम प्लीज, सब लोग एम पी एम साथ में बता दिया करें। हाँ जी। अच्छा जी, मैंने पूछना ये है कि कारोबार के बारे में, और बस माली हालात बहुत खराब है। अच्छा, काफी टाइम से ना, काफी टाइम से कारोबार कर रहे हैं तो वो चल नहीं रहा ज्यादा, ये पूछना चाह रहे हैं। जी जी, और अभी हम शुरू करना चाहते हैं, ये अभी राधा बना रहे हैं, तो क्या जो करना चाहते हैं वो कामयाब होगा? क्या करना चाहते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? यानी कुल कारोबार करना चाहते हैं ना? क्या कारोबार? किस चीज का? ये टफ टायर का रहता है ना, टफ टायर जो होती है ना, उसका कारोबार करना चाहते हैं। हाँ, नहीं मुझे आवाज नहीं आई, किस चीज का? टाइल्स का। अच्छा, चलो जी ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो स्टोन उसके बारे में रेमेडी बता देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर जी, बीबी इस जायचे के मुताबिक इनका जो लगन है वो जोजा है, जेमनाई जिसका सितारा अतारद है, और मून साइन भी जोजा है जिसका सितारा भी अतारद है,
ये बड़े शरीफ शोहर होते हैं, बीवियों का बहुत ख्याल रखने वाले होते हैं, वेरी स्वीट, बहुत अच्छे लोग होते हैं। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, लचक भी होती है इनके अंदर, और इनकी बीवी के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। दूसरी बात यह कि इनको पीरियड ज़रा कमज़ोर लगा हुआ है। एक राहु का दौर है जो कि जायचे में दूसरे घर में आया। जब दूसरे घर में राहु होता है तो ख़ास तौर पर माली मामलात, पैसे के हवाले से, कारोबारी हवाले से सूरत हाल को बहुत ख़राब करता है, माली तौर पर भी बहुत नुकसान देता है। पहली बात तो ये कि आप इसकी रेमेडी करें, ये करें कि जरकोन पहने को 4 से 5 की रात का इनको पहनाइए, और काली चीज़ों के आप सदके करें जो कि आपने 72 करने हफ्ता मंगल, और दूसरा ऐत करीमा पढ़ें आप बैठ के ईशा की नमाज के बाद ना 313 मरतब। अच्छा, तो पहले कम से कम आप थोड़ा सा 1-1.5 महीना ये अमल करें, फिर उसके बाद अपना काम शुरू करें इंशाल्लाह। और काम में ज़मीन से निकलने वाली अशिया यानी प्रॉपर्टी का या लोहे का या टाइल का जो भी आप काम करना चाहते हैं ये करें इंशाल्लाह ताला। इससे मैं आपसे ये कहूँगा कि 22 जून 2012 के बाद आपको स्टार्ट लेना चाहिए प्रॉपरली पैसे लगा के। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल है, जल्दी से अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जल्दी से सवाल बता दीजिए, कौन बात कर रहा है? सुकरा की 30 नंबर से बोल रही हूँ। जी जी सुकरा, जल्दी से आप हमें बता दीजिए अपना डेटा। जी, मेरी बेटी के बारे में क्या करना है? 22 जून 1988। कहाँ पैदा हुई? रावलपिंडी में पैदा हुई, और टाइम ऑफ बर्थ है 4:15 PM। रावलपिंडी 4:15 PM, ठीक है जी। शादी एंड फ्यूचर अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। थैंक यू। हाँ जी सर, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी, इतनी जल्दी? बहुत जल्दी, ऐसी जल्दी कि आप सोच भी नहीं सकते, ट्रेन निकल जाएगी। अच्छा। जी बीबी, इन्होंने बताया कि 22 जून 1988 और शाम को 4:50 देखे ना, जल्दी में वो फिर गलती हो जाती है। 4:15 ना 15 कभी 50 भी लगने लग जाता है, तो अभी आपको अल्लाह 4:15 ना हो। चलो खैर है, कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, आई होप सो। सर नहीं पड़ेगा ना? जी जी देख लेते। नहीं 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 पड़ेगा, 4:15 और 50 की बात है। जी बीबी, जायचे के मुताबिक इनका जो लगन है वो लिब्रा है, मिजान जिसका सितारा जोरा है, और मून साइन इनका सुंबला है, विरगो इसका सितारा तारत है। मैरिज के हवाले से इनके जायचे में बहुत लेट मैरिज का फार्मूला है, तो लिहाजा आपको इनकी रेमेडी करनी चाहिए। एक तो इनको मरजान पहना है सुर्ख रंग का, और दूसरा ओपल पहने, यानी इनको 2 स्टोन पहने, मरजान इनको रिंग फिंगर में और ओपल जो है इनको फर्स्ट फिंगर में, और इसी तरह 2 सदके इनके करने, एक तो सुर्ख सदका मंगल के दिन और वाइट सदका जुम्मे के दिन। ये प्रॉपर करें इनका, क्योंकि इनकी मैरिज में बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत मामला ख़राब है, क्योंकि जोरा इनके जायचे में 8वें घर में। जब भी जोरा 8वां घर ऐसा होता है, क्योंकि ये मौत की राशि है, कोई भी सितारा बैठे तो डेड हो जाता है, इसका अमल करें इंशाल्लाह बेहतर सही हो जाएगा। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आते रहिएगा इंशाल्लाह। इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कानों की इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन पे कहीं बच जाएगा। विल बी राइट बैक।